अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के व्लॉग में यूं ना है कि मैं आज दोबारा उड़ाने वाला हूँ पतंग शेरी में। असल में शेरी हो चुकी है, शेरी वेरी सब कर ली है और टोटली अभी फजर का टाइम हो रहा है, मतलब सुबह निकल ली है। ऐसा ऐसा करके आप जो आपको दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम फजर की नमाज़ भी पढ़ के आ चुके हैं। तो आज वही सीन है कि मैं आज अपने दोबारा हादी के साथ पतंग उड़ाऊँगा। देख सकते हैं ये हादी अभी पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग, आज नीचे से छत वाली से उड़ा रहे हैं। सो और हाँ, आपको एक चीज़ और बतानी थी कि यार जो मेरा फेस पे आप देख रहे हैं क्या चीज़ लगी हुई है, तो यार थोड़ा मेरे दाने हो रहे थे ना, तो इस वजह से मैंने पाउडर लगाया हुआ है। तो इस वजह से कोई वो नहीं समझना कि मैंने क्या लगाया हुआ है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हादी ने एक प्याज सी बिल्कुल चरखी बनाई है, आपको दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं भाई ने यार बड़ी मेहनत से बनाई है चरखी, यार आप देख सकते हो ना, कुछ देखो यार बेरिंग वाली चरखी है। और अब इसमें ऐसा सीन है कि हादी जैसी अब लड़वाएगा ना, जैसे उसकी मांझा अटक जाता है ना, तो फोन से यहाँ से खाली बेरिंग मारेगा ये, उसके बाद आ जाएगी। अब वो जो भी मांझा पकड़ेगा ना तो उसके हाथ कट जाएगा, ठीक है। तो अभी हादी ये रहा, देख सकते हैं हादी कितनी मिनट में पतंग उड़ा गई आपकी, 5 मिनट में उड़ गई, देख सकते हैं यार ये उड़ा रहा बड़ी पतंग आज भराड़ा। तो अभी इसमें हल्की आवाज़ में करेंगे क्योंकि सर घर वाले सो रहे ना नीचे, तो इस वजह से अभी आपको और दिखाते हैं कि पतंग कितनी सारी उड़ी है। और आज आज के दिन 29वां रमज़ान है और आपको पता नहीं चला यार रमज़ान इतनी फास्ट गए। अब देखो चांद कब निकलता है ईद उल फितर का, तो ये है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं पतंग कितनी सारी उड़ी है आसमान पे। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितनी सारी पतंगें उड़ ली हैं, तो थोड़ी कम उड़ ली हैं, बस उड़ ली हैं ना, अभी थोड़ी उड़ ली हैं। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि यार अभी ना हमारी पतंग कट गई क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अभी हादी अभी दूसरी पतंग उड़ा रहा है। तो अभी आपको इतना प्यारा व्यू दिखाता हूँ यार, क्योंकि सूरज निकल रहा है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा निकल रहा है सूरज। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसा सूरज निकल रहा था। तो अभी सीन को चाहता है कि हादी अभी लपेट रहा है, ये देखो बेरिंग वाली लपेट रहा है। तो यार बहुत गुस्सा आ रहा है हादी को, किसी ने मांझा पकड़ लिया, पतंग चली गई। अब दूसरे हादी वो उड़ाता है दूसरी पतंग, ये देखो हादी। आपको कितना मिनट लगा वैसे बनाने में? एक दिन लगा पूरा, उस बंदी की पूरी मेहनत है यार, बड़ा जबरदस्त बनाया इसने यार, ये देखो ना अली अली चरखी है। वैसे मैंने और पता के पास वालों को देखा है कि मैंने उनके पास तो अलग वाली होती है चरखी होती है उनके पास, हम लोगों ने देसी तरीके की बनाई यार, पता है हम लोग यार बड़े टेक्निकल लोग हैं यार। तो ये अभी दूसरी पतंग उड़ाते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं 5 मिनट्स लेटर। तो यहाँ हम लोग ने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिए और हम लोग हाई वाली छत पे आ गए थे। तो यार बड़ा बेड सीन हो गया, वो उड़ते ही पतंग जो आपको दिखा था ना पतंग उड़ ली थी, वो उड़ते ही फट गई पतंग, पता नहीं क्या सीन है। तो अभी आधी दूसरी पतंग पे सुराग उराग कर रहा है, देख सकते हो आप ये लाल वाली पतंग निकाल ली है। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरी पतंग उड़ा दी थी। 5 मिनट्स लेटर यहाँ आया मेरी बारी, अब आप मेरी खिंचाई एंजॉय करें। आप लोगों ने देख लिया कि मैंने खिंचाई मारी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हादी ने बोला यार पतंग उतार देते हैं, क्योंकि यार पतंग तो उड़ नहीं रही है, पहले उड़ ली थी तो अब पतंग उड़ नहीं रही क्योंकि सबने उतार ली है। अब हमारा ख्याल है कि शाम में अब पतंगें ज़्यादा उड़ेंगी, तो अभी मेरे को नींद भी आ रही है, तो मैं आपको सुबह मिलूँगा, ठीक है। हादी भी जा रहा है, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, तो हम आपको मिलूँगा सुबह। 6 आवर्स लेटर तो गुड मॉर्निंग, मैं सो के उड़ चुका हूँ। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी जोहर की नमाज़ पढ़ूंगा, बाकी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, तो अभी मैं थोड़ा काम से आ रहा हूँ, फिर मैं आपसे आके मिलूँगा। 3 आवर्स लेटर तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने सारे काम निपटा के, तो अभी होने वाला है असर का टाइम, तो अभी मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, फिर आपसे मिलूँगा, ठीक है। तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ने आऊँगा, फिर आपको मैं डायरेक्ट छत पे आके मिलूँगा, ठीक है। 15 मिनट्स लेटर
इसी के साथ मैं छत पे आ चुका हूँ। असर वसर की मैंने नमाज पढ़ ली है और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ छत पे क्योंकि मेरा कजन उड़ा रहा है हादी, तो ऊपर जाते हैं तो मैं आपसे ऊपर जाके मिलता हूँ। तो यार हादी बोल रहे हैं कि तुम नीचे से वीडियो बना लो, ऊपर नहीं आओ क्योंकि यार मांझा अंजा साला उलझ जाता है ना, तो इस वजह से कभी ये पेज लड़वाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार हादी यहाँ पेज लड़वा रहा था इस गुड्डे से, लेकिन यार ये बहुत सुस्ती से आ रहा था, तो मैं आपको ना आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ हमारे पेच लग गए थे, लेकिन हमारी पतंग कट गई यार, बड़ा बैड सीन हो गया। तो अभी सीन चल रहा है कि अफ्तारी का टाइम भी करीब हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर पे, तो आपको वही अफ्तारी के बाद मिलूंगा, ठीक है। 5 minutes later. ए नूरे मुबी है रब्बे जली, भाई साहब मैंने अफ्तारी उफ्तारी सब कर ली है और मैंने मगरिब की नमाज भी मैं पढ़ के आ चुका हूँ। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि यार अब मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यार मैं अब तरावी पढ़ने चले जाऊंगा। तो जब भी इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक कॉमेंट शेयर सब कर देना। और हाँ आपको एक चीज़ बतानी है कि हफ्ते की ईद है और एडवांस में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ठीक है। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, टेक केयर, बाय बाय। With the bells, with the bells.